दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या आप जो है एक ऑनलाइन शॉप संचालक है और आप जो है अपने शॉप के माध्यम से बैंकिंग काम करना चाहते हैं, सीएसपी में काम करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप जो है अगर आधार का काम करना चाहते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर एक गुड अपॉर्चुनिटी है इसमें कि आप जो है आधार के साथ में और भी सारी बैंकिंग सेवाओं में काम करके अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विसेज में आपको यहाँ पर काफी सारी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाती है। इसी में यहाँ पर आपको जो है सीईएलसी की सर्विस भी देखने के लिए मिलती है, जो कि आधार की सर्विस होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर सीएसपी लेना है, अगर आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विसेज में काम करना है, साथ ही साथ आपको आधार की सर्विस में काम करना है, तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा और कौन कौन से लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसका कंप्लीटली प्रोसेस आपको जो है इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है इस वाले पेज पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसे आप इस वाले पेज पर आ जाते हैं, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है यहां पर एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं बिजनेस करेस्पोंडेंस के लिए। मतलब अगर आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में बिजनेस आईडी लेना चाहते हैं, सीएसपी बनना चाहते हैं, तो आप यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट लिस्ट यहां पर आपको बताई गई है। यहां पर जो है सीएससी वीएलई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब दोस्तों, इसके लिए आपको जो है अप्लाई कैसे करना है, तो यहीं पर आपको जो एक फॉर्म मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, इस वाले फॉर्म को जो है आपको प्रिंट निकाल लेना है और इस वाले फॉर्म को आपको जो है ब्लैक पेन से फिल करना है, साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है कैपिटल लेटर में फिल करनी है, ठीक है ना। अब फिल कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप जो है पहली बार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी ले रहे हैं या आपने पहले भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था या अप्लाई किया था, आपको नहीं मिला है। तो पहली बार ले रहे हैं तो आप न्यू वाले पर टिक करेंगे, अगर जो है आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं तो आप एग्जिस्टिंग वाले पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिल कर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जिसमें आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो। पैन कार्ड नहीं होने के कंडीशन में आप जो है फॉर्म नंबर 6 को फिल करेंगे, जो कि आपको नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर आप जो है अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आपको जो है अपनी शॉप का लेटिट्यूड एड्रेस और यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड एड्रेस इंटर करना है। अब दोस्तों, ये आपको किस तरह से मिलेगा, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे दिया है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपने प्लेस का नाम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपको जो है अपनी शॉप को सर्च कर लेना है। अब इस मैप में आपको जो है आपका लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। आप जैसे ही अपने लोकेशन पे इस कर्सर को सेट कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दिया जाएगा। तो इन एड्रेस को आप जो है नोट करके इस वाले फॉर्म में यहाँ पर फिलअप कर देंगे। वहां से आप जो है दोनों एड्रेस लेटिट्यूड की जगह पर लेटिट्यूड इंटर कर देंगे, लॉन्गिट्यूड की जगह पर आपको लॉन्गिट्यूड को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम इंटर करना है, उसके बाद मदर्स नेम, तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम है तो आप डालेंगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, लास्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, मदर्स नेम भी आपको उसी तरह से फील करना है। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, जेंडर आपको टिक मार्क करना है, यहां पर आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको जो है कोई सा डॉक्यूमेंट देना है जो भी आपके पास है, आप उसको यहां पर टिक करेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है जो भी आपके पास है, आप उसको यहां पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है आपकी बैंकिंग डिटेल देनी रहेगी, जिसमें आपकी बैंक ब्रांच का नाम यहां पर डालेंगे, आईएफएससी कोड यहां पर डालेंगे, अकाउंट नाम आपका क्या है वो यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देना है, यहाँ पर आपको जो है अपना सिग्नेचर कर देना है, साथ ही साथ आपकी दुकान का जो स्टाम है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म 16 का एक ऑप्शन मिलता है। जिन लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं है वो लोग जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस फॉर्म को फिल बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी, जिसमें कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है ऊपर की तरफ आप उसको टिक मार्क कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है फॉर्म के ऊपर अपना एक फोटो चिपका देना है और यहाँ पर आपको क्रॉस में सिग्नेचर कर देना है, जिसमें कि आधा साइन फॉर्म पर आना चाहिए और आधा फोटो पर आना चाहिए। इस तरह से आप जो है इस कंप्लीट फॉर्म को फिल कर देंगे।
अब दोस्तों इस वाले फॉर्म को आप जो है कंप्लीट फिल कर देंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जोनल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिस है वहां पर जाकर इसको आप सबमिट कर देंगे। मतलब जो भी जिला है आपका वहां पर जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेड ऑफिस है वहां पर आप जाकर इसको सबमिट कर देंगे। साथ ही साथ जो आइडेंटिटी प्रूफ आपने लगाया है, जो एड्रेस प्रूफ आपने लगाया है, उसका भी एक एक कॉपी अटैच कर देंगे। वहां से फिर जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और आपको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में सारे काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास में यहाँ पर UIDAI का सुपरवाइजर का या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत जो डोर स्टेप मोड में जो आधार की सर्विस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP ले सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।